iOS 18 पब्लिक बीटा ऑप्शन नॉट शोइंग इन द सॉफ्टवेयर वर्जन इन आईफोन। और राइट गाइस, तो जैसे आप जाते हैं सॉफ्टवेयर वर्जन में, आपको पब्लिक बीटा ऑप्शन देखने को ही नहीं मिलती। वहाँ पे आपको iOS 17 की पब्लिक एंड स्टेबल वर्जन देखने को मिलती हैं, iOS 18 की डेवलपर बीटा देखने को मिलती है, बट वहाँ पे आपको iOS 18 की पब्लिक बीटा ऑप्शन शो नहीं कर रही होगी। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, काफ़ी फोन्स में शो ही नहीं कर रही है। ठीक है, तो हम आपको बताएंगे कि कैसे आपका जो यहाँ पे पब्लिक बीटा ऑप्शन शो करेगा। जैसा कि मैं आपको शो कर देता हूँ यहाँ पे सॉफ्टवेयर अपडेट में जाने के बाद, एंड यहाँ पे हमें इस तरीके से पब्लिक बीटा देखने को मिल जाता है। और यदि यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो मुझे ऑप्शन देखने को मिलती हैं कि iOS 18 डेवलपर एंड पब्लिक बीटा। तो मैं यहाँ पे पब्लिक को सिलेक्ट करके बैक करने के बाद यहाँ पे मुझे ये इस तरीके से अपडेट शो कर देता है। तो कैसे ये शो करेगा, प्लस काफ़ी लोगों के फ़ोन में शो ही नहीं कर रहा है, तो आपको क्या करना है, इस तरीके से सबसे पहले आप बैक करो। वैसे आपको कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि ऑलरेडी आपने यहाँ पे साइन इन यानी कि इनरोल कर लिया है, एप्पल आईडी को इनरोल कर ही लिया होगा iOS 18 की बीटा अपडेट में। बट रीज़न काफ़ी होते हैं कि क्यों आपको शो नहीं करता है। पिछली बार मैंने वीडियो डाली थी जिसमें लोगों का यहाँ पे इशू आ रहा था कि उनकी एप्पल आईडी नॉट एलिजिबल आ रहा था, और अब उनको जो है कि ये वाला अपडेट देखने को मिल रहा है, वो लोग अब अपडेट को कर पा रहे हैं। ठीक है, और मैंने एक वीडियो बनाई थी जो कि आप सभी चेकआउट करना, काफ़ी वर्किंग है वीडियो, एंड काफ़ी मुझे कमेंट है कि भाई इस वीडियो को देखने के बाद हमें iOS 18 का अपडेट शो कर गया। ठीक है, तो देखो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ आपने करना क्या है, कि आपको फटाफट से यहाँ पे इस तरीके से जाना है अगर ये शो नहीं कर रहा है। और अगर आपको डेवलपर अपडेट भी शो नहीं किया था तो भी आप इस वीडियो को देख लो। आपको सफारी ब्राउज़र पर जाना है, यहाँ पे आपको टाइप करना है beta.apple.com। ठीक है, तो जैसे आप beta.apple.com टाइप करेंगे, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आप देखते हैं यहाँ पे iOS 18 की पब्लिक बीटा रोल आउट हो गई है। तो iOS 18 को सिलेक्ट करें और उसके बाद थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो यहाँ से भी आप कर सकते हैं साइन इन, बट आपको यहाँ पे आएगा साइन इन। ठीक है, आएगा साइन इन एक साइन अप, तो आपको साइन अप पे ही क्लिक करना है। आप साइन अप पे जैसे आप क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ से, तो गाइस यहाँ पे आपको बहुत ही ध्यान से सुनना जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। होगा क्या कि जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने पहले कभी एप्पल आईडी बनाई है, अगर आपने मोबाइल नंबर से बनाई हुई है, तो आप अगर साइन इन करने जाएंगे तो आपको आएगा यूअर एप्पल आईडी इज़ नॉट एलिजिबल। और ये उन्हीं के आईफोन्स में ये अपडेट शो नहीं कर रहा है जिन्होंने अपनी एप्पल आईडी मोबाइल नंबर से बनाई है, यानी कि फ़ोन नंबर से बनाई है। तो आप काम करो, वैसे मैंने इसी चीज़ को उस वीडियो में रिपीट किया था, वो वीडियो वर्क कर गई एंड लोगों के अपडेट शो करने लगे। तो आपको क्या करना है, यदि आपकी एप्पल आईडी मोबाइल नंबर से बनी है, नो डाउट आप उसको संभाल के रखें, एक न्यू एप्पल आईडी बना लें, एंड वो जो है एप्पल आईडी आप अपनी जीमेल आईडी से ही बनाएं। तो जब आप वहाँ पे साइन इन करने जाएंगे तो अब आपको इशू नहीं आएगा जो कि लिखा हुआ आता था यूअर एप्पल आईडी इज़ नॉट एलिजिबल। तो आप जैसे ही साइन इन करने जाएंगे तो वहाँ पे आपने एक न्यू एप्पल आईडी बना लो, मैंने उसमें वीडियो में बताया, उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, जाके चेकआउट कर लो कि कैसे आप सॉल्व करेंगे अगर आपको iOS 18 के डेवलपर या फिर पब्लिक बीटा 1 या फिर पब्लिक बीटा शो नहीं कर रहे हैं तो कैसे करेगा। उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, जाके वॉच कर लो, उसमें मैंने बताया ये यूअर एप्पल आईडी इज़ नॉट एलिजिबल क्यों शो नहीं करता है अपडेट, जाके चेकआउट कर लो। ठीक है, तो आपको क्या करना है, वो यही चीज़ है कि आपको अपनी एप्पल आईडी एक जीमेल आईडी से बनानी है। ठीक है, तो साइन इन करेंगे उसके बाद यहाँ पे आएगा इनरोल योर डिवाइस पे क्लिक करें, और जैसे आप इनरोल योर डिवाइस पे क्लिक कर देंगे अब आपको नीचे जाना है, यहाँ पे आएगा ओपन बीटा अपडेट। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आप देखते हैं यहाँ पे आ रहा है पब्लिक बीटा एंड आ रहा है डेवलपर बीटा, तो आपको पब्लिक बीटा सेलेक्ट करके बैक करना है। ये अपडेट आपको इस तरीके से शो कर देगा, बस सिंपल इसको अपडेट कर सकते हैं। तो अगर आपको ये अपडेट शो नहीं कर रहा है, अगर आपकी एप्पल आईडी मोबाइल नंबर से बनी हुई है, तो आप जाके चेकआउट कर लो वीडियो, अगर आपको देखने को मिलती है प्रॉब्लम यूअर एप्पल आईडी इज़ नॉट एलिजिबल। ठीक है, तो जाके देख लो वीडियो, उसमें आप इजिली समझ पाएंगे कैसे आपको न्यू एप्पल आईडी लेकर वहाँ पे साइन इन करना है, फिर आप इजिली डेवलपर या फिर पब्लिक बीटा दोनों अपडेट को देख पाएंगे, इंस्टॉल कर पाएंगे। तो गाइस यहाँ पे आपको इतना ही करना है, उसके बाद यहाँ पे आप जाएंगे तो ये आपको पब्लिक बीटा ऑप्शन शो कर देगा, यहाँ से आप इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आपको फिर भी शो नहीं कर रहा है तो आप एक काम कर सकते हैं, अपने आईफोन को इस तरीके से फोर्स स्टार्ट कर सकते हैं, वॉल्यूम अप वॉल्यूम डाउन, देन कीप होल्ड दिस बटन, पावर बटन को आपने यहाँ पे होल्ड रखना है जब तक कि आपको एप्पल लोगो देखने को ना मिल जाए। रीस्टार्ट करेंगे अपने आईफोन को, उसके बाद दोस्तों ये अपडेट आपको सेटिंग में ही सॉफ्टवेयर वर्जन में जाके देखने को मिल जाएगा। तो इतना करना है, सबसे पहले अपनी एप्पल आईडी देखो कि आपने मोबाइल नंबर से बनाई है या फिर जीमेल आईडी से। अगर मोबाइल नंबर से है तो यूअर एप्पल आईडी नॉट एलिजिबल, वो वाला इशू आएगा आपको, डैट्स वाई आपने जीमेल आईडी से एप्पल आईडी बनानी है। दूसरा, आपको इनरोल करना है यहाँ पे जो इनकी beta.apple.com वेबसाइट है, उसके बाद अपने फ़ोन को फोर्स रीस्टार्ट करें, देन आप जैसे ही जाएंगे सेटिंग्स में ये अपडेट आपको डेफिनेटली शो कर देगा। अगर फिर भी नहीं करता है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में इन्फॉर्म करके जाएंगे, मैं आपको यहाँ पे लाइव ही दिखा देता हूँ। और ये चाहे आपके पास iPhone 13 है, कोई सा भी iPhone है, सभी iPhone में शो कर देगा। मैं आपको लेके जाता हूँ इस तरीके से यहाँ पे सेटिंग्स के ऊपर। ठीक है, जैसे सेटिंग्स पे जाता हूँ एंड आप सभी के सामने यहाँ पे सॉफ्टवेयर अपडेट में आप देख पाएंगे कि हमें जो यहाँ पे बीटा अपडेट शो करेगा जो कि होगा पब्लिक बीटा। और इसी तरीके से अगर आपके पास डेवलपर बीटा है तो वो भी शो कर देगा। मैं यहाँ पे इंटरनेट ऑन कर लेता हूँ। और राइट, तो यहाँ पे आप देखते हैं, यहाँ पे जैसे मैं जाता हूँ और यहाँ पे इस तरीके से बीटा अपडेट सबसे पहले भी ऑफ करके दिखा रहा है। कोई नहीं, थोड़ा सा वेट करते हैं सेटल होने में। और ये देखो यहाँ पे आ रहा है iOS 18 पब्लिक बीटा, तो यहाँ पे मेरे को पब्लिक बीटा ऑप्शन देखने को मिल चुका है। इस तरीके से आपने अपडेट करना है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस।